हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम टेक्नोबज़.net। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि MIUI 11 का जो अपडेट है काफ़ी सारे फ़ोन्स को है ऑलरेडी मिल चुका है, और उसी तरीके से हमने अपना जो Redmi Note 7 Pro है उसको MIUI 11 के ऊपर जो है इंस्टॉल कर लिया है। बट काफ़ी सारे लोग हैं उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, कह रहे हैं बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिल रहा है, या कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम फेस करनी मिल रही है, या कोई ज़्यादा फीचर्स उनको MIUI 11 में देखने को नहीं मिलते। तो उन लोगों का एक क्वेश्चन काफ़ी मेरे वीडियोज़ के ऊपर आ रहा है कि MIUI 10 के ऊपर कैसे वापस आ सकते हैं, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके आप MIUI 10 पे कैसे रोल आउट कर सकते हैं, यानी रोल बैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 7 Pro और आज इसको हमने जो अपना MIUI 11 का अपडेट है उसके साथ अपडेट कर रखा है। तो वैसे देखा जाए तो हम मोस्टली जो डाउनग्रेड करते थे फ़ोन को अपने लास्ट वर्जन को चूज अपडेट पैकेज से कर लेते थे, बट आप किसी नए OS से किसी पुराने OS पे नहीं जा पाते हैं और Xiaomi इसको आपको अलाउ नहीं करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके, अबाउट फ़ोन में सिस्टम अपडेट में अगर हम चूज अपडेट पैकेज के थ्रू अपने पुराने वर्जन को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा जो पुराना वर्जन था 10.3.13.0 जो कि MIUI 10 के ऊपर था, उसको हम ओके करते हैं, तो उसके बाद जो है वो इंस्टॉल नहीं होता है। आपको Xiaomi जो है MIUI 11 से MIUI 10 पे जाने को मना कर देता है क्योंकि सिक्योरिटी पैच जो है आपका अपग्रेड हो चुका होता है। तो ये देखिए, कुड नॉट वेरीफाई लुक्स लाइक द रोम सिक्योर्ड पैच वर्जन इज लोअर देन द करेंट वर्जन। तो दैट मीन्स कि अब जो है आप इस मेथड से MIUI 11 से MIUI 10 पे नहीं जा सकते हैं। तो अब कैसे जाया जाए, अगला क्वेश्चन ये है। तो अगर आपके फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक है तो आप लकी हैं, अगर आपका फ़ोन का बूटलोडर जो है लॉक्ड है देन आपको MIUI 11 पे ही स्टे करना पड़ेगा। बूटलोडर अनलॉक करने से कोई आपकी वारंटी वाइड नहीं होती है, अगर आपको लगता है कि वारंटी वाइड हो जाती है, आपको वापस सर्विस सेंटर जाना है तो उसको लॉक कर लीजिए, सिंपल। उसके बाद आप वारंटी को फिर से क्लेम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अब अपने MIUI 11 का फ़ोन को उसको MIUI 10 पे डाउनग्रेड करेंगे। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको कुछ फाइलें PC के ऊपर सेव कर लेनी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले आप अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड पर बूट करेंगे, तो उसके लिए पहले हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए, फ़ोन को मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद वॉल्यूम डाउन और पावर के बटन को हम होल्ड रखेंगे और अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड पे बूट करेंगे। आपके फ़ोन के स्क्रीन पर फास्ट बूट मोड लिखा होगा और एक MI बनेगी, कुछ इस तरीके की फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। अब सिंपली हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन को अपने PC या लैपटॉप जो भी आपके पास है उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। जब आपकी केबल मिलती है तो हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और फ़ोन को छोड़ते हैं। अब हम PC पे चलते हैं। बैकअप ज़रूर ले, क्योंकि आपका सारा डाटा जो है डिलीट होने वाला है। पहले तो चाहिए आपको अपने फ़ोन के लिए लेटेस्ट फास्ट बूट रोम की ज़िप फाइल जो TZZ फॉर्मेट में होती है, एक ADB ड्राइवर और एक Xiaomi का MI फ्लैश टूल, जिसका लिंक इन तीनों फाइलों का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। MI फ्लैश टूल को मैं इंस्टॉल कर चुका हूं, तो उसकी फाइल मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। तो आपने पहले जो फास्ट बूट रोम है उसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है, कुछ इस तरीके का फोल्डर आपको देखने को मिलता है। कोशिश ये कीजिएगा कि ये फोल्डर जो है आपका सी ड्राइव के अंदर हो। मैंने डेस्कटॉप पर रखा है बट मुझे पता है ये किस तरीके से इंस्टॉल होता है, बट कई लोग जो है क्या करते हैं कि फोल्डर को बहुत अंदर जाके किसी फोल्डर के अंदर रखते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी जो एड्रेस होता है आपका, फाइल पाथ होता है, काफ़ी लंबा बन जाता है, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब आपको जो है ADB ड्राइवर जो है इनको डबल क्लिक करना है और इसको अपने PC या लैपटॉप पर सेटअप करना है। यस करते रहिए। यस करने के बाद आपको Y एंटर करते रहना है ताकि सारे ड्राइवर्स जो है सक्सेसफुली आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होते रहे। तो ये देखिए, हम सारे ड्राइवर्स जो है इंस्टॉल कर चुके हैं और फिनिश कर देते हैं। दैट्स इट। तो ये जो है हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो गए हैं ADB ड्राइवर। आप इनको जाके C ड्राइव में दे सकते हैं। C ड्राइव में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ADB ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो इस फोल्डर में पहले आप एक काम कीजिए कि आपका फ़ोन जो है सक्सेसफुली आपके PC साथ कनेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट का बटन दबाइए और राइट क्लिक कीजिए और ओपन कमांड विंडो हेयर। अब यहाँ पे आप एक कमांड लिखिए, फास्ट बूट DEVICES और एंटर। कुछ ऐसा सीरियल नंबर मिलेगा, दैट मीन्स कि आपका फ़ोन जो है कनेक्टेड है। अब आपको इसको बंद कर देना है। अब सी ड्राइव में जाना है, वहाँ आपको Xiaomi फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपका MI फ्लैश टूल इंस्टॉल होगा। उसको खोलिए अब एक बार, यस कीजिए और कुछ इस तरीके की विंडो आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको अपना डाटा सेव रखना है तो सेव यूज़र डाटा लिखिए। अगर सब कुछ क्लीन ऑल कर देना है बिल्कुल कंपनी से जैसा मिलता है तो क्लीन ऑल कर दीजिए। अगर लॉक करना है बूटलोडर को तो लॉक कर दीजिए। मैं क्लीन ऑल करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा डाटा सेव हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप किसी अपग्रेड वर्जन से पुराने वर्जन पर रोल आउट करते हैं तो डाटा सेव करने से कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं क्लीन ऑन पे रखूंगा। ये तो हो गया कि आपने MI फ्लैश टूल खोल लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था अपने फास्ट बूट रोम का, फास्ट बूट रोम की जो साइट है उसका लिंक मैं दे दूंगा जहाँ से आप अपने फ़ोन के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने क्या है, इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, इसके बाहर ही रहना है। एड्रेस बार पर क्लिक कीजिए, इस एड्रेस बार को कॉपी कर लीजिए यहाँ से,
और सिंपली जो कि एमआई फ्लैश टूल है उसमें जाके आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके एक बार रिफ्रेश कीजिए, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सीरियल नंबर दिखेगा और यहाँ पे बार दिखेगा, क्लीन ऑन पे रखा है मैंने। अगर आप लॉक पे कर देंगे तो आपका फ़ोन का बूटर लॉक हो जाएगा। मैं क्लीन ऑन पे रख के इसको फ्लैश कर देता हूँ, तो ये देखिए अब जो एम आई यू वर्जन 10 है वो हमारे फ़ोन के अंदर जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ये नियर अबाउट 4 to 5 मिनट्स लेगा और ये ऑफिशियल मेथड है अपने फ़ोन को एम आई यू 11 से एम आई यू 10 पर डाउनग्रेड करने का। पर ये तभी काम करता है जब आपके फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक होगा, लॉक्ड है तब ये मेथड भी आपके लिए काम नहीं करेगा और आपको एम आई यू 11 पर रहना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो है बूट होता है कि नहीं होता है और एम आई यू 10 पर आता है कि नहीं आता है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो ये देखिए फाइनली जो है प्रोसेस खत्म हो गया है, फ्लैश 10 लिखा गया है सक्सेस और हमारा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया और रीबूट हो रहा है। तो अब फ़ोन पर चलते हैं, पीसी का काम खत्म हो गया है, फ़ोन को अब हम डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ ही देर में आपके फ़ोन के ऊपर जो है एम आई यू 10 की सेटअप स्क्रीन आएगी, दैट मीन्स कि आपने सक्सेसफुली अपने एम आई यू 11 का जो फ़ोन था उसको एम आई यू 10 के ऊपर बूट कर लिया है। ये देखिए लोगो आ चुका है रेडमी का, दैट मीन्स कि सक्सेसफुली हमने ये रोम को फ्लैश कर लिया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एम आई यू 10 का सेटअप पेज आता है कि नहीं, जिससे आपको ये वेरीफाई हो जाएगा कि फाइनली हमने एम आई यू 11 से एम आई यू 10 पे डाउनग्रेड कर लिया है अपने रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर। ये किसी भी शॉमी फ़ोन पे काम करेगा, सिर्फ आपको अपने फ़ोन के लिए फास्ट बूट रोम चाहिए, बाकी यही दो फाइलें चाहिए, ADBXE और शॉमी का एम आई फ्लैश टूल। तो ये देखिए फाइनली एम आई यू 10 का सेटअप पेज आ चुका है, दैट मीन्स कि हमने अपने रेडमी नोट 7 को एम आई यू 11 से एम आई यू 10 पे रोल बैक कर लिया है या फिर डाउनग्रेड कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आप एम आई यू 11 से एम आई यू 10 पे जा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।